हाय फ्रेंड्स, राजेश हियर फ्रॉम टेक्नोबज़.नेट। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एंड्रॉयड 12 का जो स्टेबल वर्जन है वो ऑफिशियली जो है पिक्सल फोन्स के लिए रिलीज हो चुका है, जिसको इस टाइम पे हम अपने गूगल पिक्सल 4a के अंदर यूज करें। इससे पहले भी लास्ट टाइम मैंने काफी सारे जो है एंड्रॉयड 12 रिलेटेड वीडियोस आपके सामने लेके आया हूँ, बट अब फाइनली जो है ये बीटा बिल्ड से बाहर आ चुका है और आपको जो है एक स्टेबल वर्जन जो है एंड्रॉयड 12 का देखने को मिलता है, जिसमें आपको मटेरियल यूआई का लुक यहाँ पे दिया गया है और काफी सारे नए फीचर्स जो है अब आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं। इवन आपका नोटिफिकेशन पैनल, लॉक स्क्रीन, काफी सारे मेजर चेंजेस जो है आपको अब इस नए अपडेट के अंदर देखने को मिलते हैं। तो आज का वीडियो इसी के ऊपर है कि फाइनली जो है एंड्रॉयड 12 के जो ऑफिशियल वर्जन है उसके अंदर आपको क्या क्या नए फीचर्स देखने को मिलते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा एंड चैनल के मोटिवेशन एंड सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कुछ इस तरह का लुक जो है अब आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। काफी सारे नए विजेट्स देखने को मिलते हैं, मटेरियल यूआई के थीम्स और उसी तरीके के आइकन पैक्स भी आप इसके अंदर अब यूज कर सकते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं ये कौन सा वॉलपेपर है तो इसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके इस वॉलपेपर को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कुछ इस तरह का लुक आपको देखने को मिलता है, विजिट्स जो है आपको कुछ इस तरह देखेंगे। अगर आप ध्यान से देखें तो जो हमारा वॉलपेपर है उसमें आपको कुछ अलग से कलर्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इस टाइम पे जो विजिट्स हैं उसने जो अपने टेक्स्ट हैं वो थोड़े से ग्रीन कलर के जो आपका बैकग्राउंड है उसको वहां से उसने एडजस्ट करके है, बट जैसे ही मैं इस विजिट को किसी डार्क एरिया पर ले जाता हूँ किसी और कलर पे तो आप देख पाएंगे जो कलर है वो कंप्लीटली यहाँ पे चेंज हो गए। इवन विजिट्स के अंदर आपको आप काफी सारी क्लॉक फेसेस यहाँ पे देखने को मिलती हैं, जो कि एंड्रॉयड 12 के अंदर यहाँ पे इंट्रोड्यूस की गई हैं। आप देख पा रहे हो काफी सारी क्लॉक फेसेस आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, जो भी आपको पसंद है उसको आप यहाँ से सेटअप करते हैं और उसका थीम्स जो है वो आपके वॉलपेपर के साथ जो है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मैच करता है और कुछ इस तरीके के विजिट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। यही नहीं, अगर आप इसके विजिट सेक्शन में जाएं तो आपको जो एक नए तरीके का लेआउट जो है अब यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, जिसमें आपको काफी सारे नए विजिट्स क्रोम्स के रिलेटेड विजिट्स मिल जाते हैं, क्लॉक के विजिट्स मिल जाते हैं, काफी सारे आपको क्लॉक्स के विजिट मिलते हैं, इवन स्टॉप वॉच भी आपको देखने को मिलती है। यही नहीं, आपको यूट्यूब से रिलेटेड और यूट्यूब म्यूजिक से रिलेटेड यहाँ पे काफी सारे विजिट्स देखने को मिलते हैं, जिसको आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके कहीं पे भी अपने होम स्क्रीन के ऊपर सेटअप कर सकते हैं। ये आपके वॉलपेपर बेस्ड जो है थीम्स को अपने आप एडजस्ट कर लेता है और कुछ इस तरह का लुक आपको अब यहाँ पे प्रोवाइड करता है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं जो सबसे मेजर चेंज किया गया है वो है टॉगल्स के अंदर। एक काफी लंबे इंतजार बाद जो है फाइनली गूगल ने जो है एंड्रॉइड के जो टॉगल्स हैं उनको कंप्लीटली जो है चेंज कर दिया है एक नए लुक के साथ। अब आपको यहाँ पे टॉगल्स देखने को मिलते हैं, आप देख पा रहे हैं कुछ इस तरीके के टैब्स आपको देखने को मिलते हैं, काफी सारे नए टॉगल्स जो है यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए गए हैं। इवन अगर आप देखें तो नोटिफिकेशन पैनल में अब जो है आपको म्यूजिक विजिट भी देखने को मिलता है, जहां से आप इसको यूज कर सकते हैं। अगर आप नोटिफिकेशन ऑप्शन देखें तो आपको कुछ इस तरीके नोटिफिकेशन देखने को मिलते हैं और कुछ इस तरीके का एनिमेशन जो है अब आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। इसके ऊपर आप टैप करते हैं कुछ इस तरीके से तो आपको जो है इसमें डिफॉल्ट, साइलेंट, टर्न ऑफ नोटिफिकेशन या डन, ऐसे कुछ ऑप्शंस यहाँ पे अब आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं। ये लॉक स्क्रीन पे भी विजिबल होते हैं, ये देखिए लॉक स्क्रीन के ऊपर जो है कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे विजिबल हो जाते हैं, जहां से आप इनको एक्सेस कर पाते हैं। अगर आप अपने फोन के अंदर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले यूज कर रहे हैं, अगर आपके फोन के ऊपर कुछ नोटिफिकेशन आ रखे हैं देन आपको जो है क्लॉक कुछ इस तरीके से शो होती है और नीचे सभी नोटिफिकेशन के आइकन्स आपको यहाँ पे विजिबल हो जाते हैं। एक और चीज जो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा वो है इसके एनिमेशन। जैसे ही मैं पावर के बटन पर क्लिक करता हूँ ये देखिए आपको कुछ इस तरह का एनिमेशन इफेक्ट जो है यहाँ पे देखने को मिलता है। देखिए एक साइड से आपको यहाँ से एक रेस देखने को मिलती है कुछ इस तरीके का। तो अभी आप देख पा रहे होंगे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले जो है आपको कुछ इस तरह का देखने को मिलता है। अगर मैं इस टाइम पे इन सभी नोटिफिकेशंस को यहाँ पे क्लियर कर दूं उसके बाद जो है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले जो है एक आपको काफी बिग क्लॉक के साथ आपको वहां पर देखने को मिलेगा, दैट मीन्स कि इस टाइम पे आपके लॉक स्क्रीन के ऊपर कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है। जब भी कोई नोटिफिकेशन आएंगे ऑटोमेटिक जो क्लॉक जो है वो स्मॉल पोर्शन में चली जाएगी और नोटिफिकेशन के आइकन जो है आपको आपकी लॉक स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे देखने को मिलेंगे और कुछ इस तरीके के लॉक स्क्रीन और कुछ उसी तरीके के आपको जो है स्क्रीन लॉक के ऑप्शंस यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जो कि आपके वॉलपेपर थीम बेस के साथ काम करते हुए आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। यही नहीं, अगर हम कुछ और चीजों को भी चेक करें तो आप देखेंगे अगर सेटिंग्स पैनल जो है थोड़ा बहुत जो है सैमसंग वन यूआई से इंस्पायर्ड आपको देखने को मिलता है। हर पेज का जो हेडर है वो आपको जो है थोड़ा सा एक बोल्ड लेटर्स में यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि आपको थोड़ा सा सैमसंग वन यूआई जैसा फील यहाँ पे देता है, जो कि काफी मेजर चेंज है इस टाइम पे एंड्रॉयड 12 के अंदर। ये सब चेंजेस जो है आपको यूआई के अंदर यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अगर यूआई के कुछ और चेंजेस की बात की जाए तो वॉलपेपर एंड स्टाइल के अंदर जो है काफी सारे मेजर चेंजेस अब कर दिए गए हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे वॉलपेपर्स कलर्स को यहां से मैनेज कर लेता है। अगर आपको बेसिक कलर्स चाहिए तो आप इसके बेसिक कलर्स को भी यहां पे यूज कर सकते हैं, डार्क थीम को यूज कर सकते हैं। थीम आइकन्स जो है स्टिल अभी बीटा स्टेज पे है, मे बी आगे चल के जो है इसके अंदर और भी काफी सारे इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिल सकते हैं। आपको अपग्रेड मिल जाता है 5x5 से लेके 2x2 के यहाँ पे ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं। तो ये चीज जो है मुझे सबसे बेटर लगी है कि जो वॉलपेपर बेस्ड थीम है, जो मटेरियल यूआई वो परफेक्ट तरीके से काम करती है और पूरा का पूरा लुक जो है आपके फोन का कंप्लीटली आपके वॉलपेपर बेस्ड से मैच करता हुआ आपको
मिल जाता है। तो ये काफी अच्छा चेंज जो है एंड्रॉइड 12 के अंदर जो किया गया है और इस टाइम पे काफी स्मूथ तरीके से काम कर रहा है और कुछ इस तरीके के एनिमेशन जो है अब आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं जो कि परफेक्ट तरीके से अब एक अलग तरीके से आपको यहाँ पे काम करते हुए देखने को मिल जाते हैं। तो नो डाउट मटेरियल वाइज जो है इस टाइम पे एंड्रॉइड 12 पे काफी अच्छी तरीके से वर्किंग है और काफी यूनिक सा लुक जो है आपके फोन को प्रोवाइड करता है। एक तरीके पूरी थीम को जो है आप कस्टमाइज कर सकते हैं, किस तरीके का कलर लुक, किस तरीके का लेआउट आपको चाहिए वो सब आपके ऊपर मैटर करता है। जैसे कि सपोज कीजिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए हम चलते हैं वॉलपेपर एंड स्टाइल सेक्शन के ऊपर। अगर आपको ये कलर लेआउट नहीं पसंद है तो आपको एक और वॉलपेपर बेस मिलता है पिंक कलर, जैसे आपको देख पा रहे हैं। तो अब देखिए जो आप जो कलर लेआउट है वो कंप्लीटली चेंज हो गया है और कुछ इस तरीके का कलर लेआउट जो है अब हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। इवन जो हमारी लॉक स्क्रीन है आप देख पाएंगे उसके भी अंदर भी जो कलर लेआउट है यहाँ पे कंप्लीटली चेंज कर दिया गया है। आपका जी बोर्ड वगैरह सारे के सारे जो है यहाँ पे चेंज हो जाते हैं। ये देखिए जी बोर्ड है उसका भी कलर यहाँ पे कंप्लीटली चेंज हो गया है और भी काफी सारी एप्लीकेशन जैसे आपका डायलर वो भी उसी थीम के ऊपर बेस्ड हो जाता है। आपका मैसेज इनबॉक्स वो भी उसी थीम पे बेस्ड रहता है। इवन काफी सारी एप्लीकेशन जैसे क्लॉक वो भी उसी थीम पे बेस्ड रहती हैं। इवन जो आपका कैलकुलेटर है वो भी उसी तरीके से काम करता हुआ आपको यहाँ पे मिल जाता है। देखिए थीम बेस्ड यूआई जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। इसके अंदर आप इसकी सेटिंग्स में जाके चूज थीम में जाके आप इसको लाइट या डार्क मोड भी यूज कर सकते हैं और कुछ इस तरीके का लुक अपने फोन पे अब आप पा सकते हैं जो कि आपके वॉलपेपर से परफेक्ट तरीके से मैच करता हुआ आपको यहाँ पे मिल जाता है। अगर फीचर्स वाइज देखा जाए तो फीचर्स में भी काफी सारे जो है एडवांस फीचर आपको देखने को मिले हैं। एंड्रॉइड 12 जो है एक तरीके से देखा जाए सेफ्टी के लिए जो है माना जाता है कि काफी सिक्योर आपको यहाँ पे ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। अगर आप किसी सेटिंग्स में ही जाएं तो आपको अब यहाँ पे काफी सारे नए ऑप्शन देखने को मिलते हैं। उसी तरीके से आपको यहाँ पे सेफ्टी एंड इमरजेंसी का भी ऑप्शन प्रोवाइड कर दिया गया है जिसमें आप अपनी मेडिकल इन्फॉर्मेशन, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट, इमरजेंसी SOS, कार क्रैश डिटेक्शन, ये क्राइसिस अलर्ट्स इन सबको यहाँ पे साइन इन कर सकते हैं। और पावर के बटन पे भी अब आपको यहाँ पे इमरजेंसी कॉलिंग का भी ऑप्शन अब यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है जिसका यूआई कुछ इस तरीके आपको देखने को मिलता है। उसी तरीके से वॉल्यूम पैनल का यूआई भी जो है कंप्लीटली चेंज कर दिया गया है जो कि आपके वॉलपेपर के साथ मैच करता है और कुछ इस तरीके की पॉपअप स्क्रीन जो है आपकी स्क्रीन पे ओपन होती है। अगर सी मोड करें तो आप डायरेक्टली जो है इसके सेटिंग पैनल में आप जाके इन सब चीज़ों को यहाँ पे इजीली एक्सेस कर पाते हैं। तो एनिमेशन में काफी चेंजेस हैं, नए तरीके यूआई और नए तरीके लेआउट जो है अब आपको यहाँ पे देखने को इसके अंदर मिल जाते हैं। नेक्स्ट फीचर जिसकी बात कर रहता हूँ वह स्क्रीनशॉट रिलेटेड। अगर कोई भी स्क्रीनशॉट को आप कैप्चर करते हैं, देखिए मैं आपके सामने स्क्रीनशॉट को कैप्चर करता हूँ, अब यहाँ पे आपको जो है इसमें एडिट का ऑप्शन मिल जाता है जिसके थ्रू आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। इवन अगर आपको लगता है कि आपका जो पेज है वेब पेज जिसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं उसका फुल पेज स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो वो ऑप्शन भी अब आपको यहाँ पर मिल जाता है। कैप्चर मोड, जैसे आप कैप्चर मोड पर करेंगे ये सारे की सारी चीज़ों को एक साथ कैप्चर करेगा और उसके बाद जो है आप इसको यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके जितने भी एरिया को आप कैप्चर करना चाहते हैं उसको कैप्चर करके यहाँ से सेव कर सकते हैं। और इसके एडिट मोड में भी जाके आपको यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। ये देखिए एडिट मोड में आपको यहाँ पे पेन टूल्स ये सारे के सारे टूल्स यहाँ पे प्रोवाइड किए हैं जिसके थ्रू जो है अपने आप स्क्रीनशॉट्स को और भी ज्यादा तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं। यही नहीं, आपको और भी काफी सारे फीचर्स इसके अंदर मिलते हैं। सपोज कीजिए कि आप कोई भी इमेज जो है गूगल इमेज से या किसी भी वेब पेज से कॉपी करना चाहते हैं तो आप उसके ऊपर जाइए डायरेक्ट कॉपी इमेज। अब आप इन इमेजेस को किसी भी एप्लीकेशन में यूज करते हैं। सपोज कीजिए आपने इस इमेज को किसी पर्सन को सेंड करना है तो आप उसके ऊपर जाइए मैसेज पे, वहां पे आप जब टेक्स्ट मैसेज जाएंगे तो आपको ये देखिए इमेज का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलता है जिसको आप डायरेक्टली यहाँ पे आप पेस्ट भी कर सकते हैं। यानी क्लिपबोर्ड के थ्रू जो है अब आप इन इमेजेस को डायरेक्टली किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन में आप इनको पेस्ट कर सकते हैं। अगर आप रीसेंट टैब्स में जाएं तो अगर आपके पेज के ऊपर कोई भी लिंक वगैरह आपको यहाँ पे शो होता है तो आप उसको डायरेक्टली जो है शॉर्टकट बटन के थ्रू यहाँ से लिंक को कॉपी करके डायरेक्टली जो है अपने सोशल मीडिया अकाउंट से किसी भी एप्लीकेशन के साथ अब आप इसको ईजिली यहाँ से शेयर करते हैं। तो काफी सारे हैंडी फीचर्स जो है अब आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इवन अगर आप सेटिंग्स में ही जाते हैं और सिस्टम में जाते हैं तो अब आपको यहाँ पे काफी सारे जेस्चर जो है वर्किंग देखने को मिलते हैं जैसे स्वाइप फिंगरप्रिंट फॉर नोटिफिकेशन, क्विकली ओपन कैमरा, फ्लिप कैमरा फॉर सेल्फी, सिस्टम नेविगेशन 100 मोड जो कि इस तरीके से काम करता है जैसे आप स्लाइड करेंगे नए बार के ऊपर उसके बाद जो है 100 मोड जो है आपके फोन पे विजिबल होता है। ये काफी हैंडी फीचर है मोस्टली उन फोन्स के लिए जो कि काफी लार्ज स्क्रीन के साथ आपको देखने को मिलते हैं, बट पिक्सल 4 में आप इसको ज्यादा यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि फोन जो है पहले ही काफी लाइट और कॉम्पैक्ट आपको देखने को मिलता है। तो मोस्टली ये फीचर उन लोगों के लिए काफी बेटर है जिनकी स्क्रीन जो है काफी लार्ज होती है और उसको आप यूज करके 100 मोड के थ्रू पूरी स्क्रीन को एक्सेस कर पाते हैं इजिली 100 मोड पे। यही नहीं, आपको सेटिंग्स में और भी काफी सारे ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अगर आप सेटिंग्स में ही जाएं, सेटिंग्स में आपको काफी सारी सेटिंग्स मिलती हैं जैसे कि डिस्प्ले। अब डिस्प्ले में जो है आपको एक ऑप्शन और यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है जैसे कि ऑटो रोटेट स्क्रीन। ये ऑलरेडी पहले भी आपको अपने OS में देखने को मिलता था बट इसके अंदर जो है आप एक नए फीचर्स को इंक्लूड किया है जो कि है इनेबल फेस डिटेक्शन। जैसे आप इस पर टैप करते हैं उसके बाद जो है आपको फेस को डिटेक्ट करके जो है उस तरीके से स्क्रीन को रोटेट करेगा। तो ये भी एक नया फीचर जो है अब आपको
एंड्रॉइड 12 के अंदर यहाँ पे देखने को मिल चुका है। सबसे अच्छी चीज जो मुझे एंड्रॉइड 12 के अंदर देखने को मिली है वो है आपके फोन के प्राइवेसी के रिलेटेड। अगर आप इसके प्राइवेसी सेक्शन में जाएं तो आपको यहाँ पे काफी सारी चीजें यहाँ पे नई देखने को मिलती हैं, जैसे प्राइवेसी डैशबोर्ड जिसके अंदर जो है ये सारी की सारी चीजें बताएगा कि लोकेशन जो है कौन कौन सी एप्लीकेशन यूज कर रही है, आपके कैमरे को कितनी एप्लीकेशन यूज कर रही है और पास्ट 24 आवर्स में आपकी लोकेशन और कैमरे को किस किस एप्लीकेशन ने यूज किया है। आप सभी परमिशन को यहाँ पे जाकर चेकआउट कर सकते हैं। इवन जो सबसे अच्छी चीज मुझे लगी है कि कोई भी एप्लीकेशन अगर आप यूज करते हैं अगर वो आपके कैमरा या आपके जो वॉइस को डिटेक्ट करती है यानी इसको यूज करती है तो आपको ऊपर नोटिफिकेशन यहां पे देखने को मिलती है। देखिए जी ग्रीन कलर का नोटिफिकेशन आपको यहां पे देखने को मिला है, दैट मींस कि जो है इस टाइम पे हमारे फोन के अंदर जो है कोई एप्लीकेशन जो है वो हमारे कैमरे को एक्सेस कर रही है। आप देख पा रहे होंगे आपको यहां पे एक वीडियो का ऑप्शन देखने को मिल रहा है कि यानी कि कैमरा जो है हमारा इस टाइम पे कोई एप्लीकेशन एक्सेस कर रही है, तो उस तरीके से आप उसको यूज करते हैं। सपोज कीजिए अब मैं वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट करता हूं उसमें, तो अब आपको जो है नोटिफिकेशन में है दो आइकन से यहां पे देखने को मिलेंगे, दैट मींस कि हमारी जो ऑडियो भी रिकॉर्ड हो रही है और हमारा जो कैमरा है वो भी एक्सेस हो रहा है। तो इस तरीके से जो है आपको हमेशा ये पता रहेगा कि कौन सी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जो है आपके फोन के अंदर आपकी लोकेशन कैमरा या आपके जो ऑडियो या माइक्रोफोन है उनको एक्सेस कर रही है, ताकि आपको ये पता चल सके किस तरीके से वो एप्लीकेशन का जो बिहेवियर है वो आपके फोन पे काम कर रहा है। तो ये कुछ चीजें जो है काफी अच्छी जो है इसके अंदर एंड्रॉइड 12 के अंदर जो है इंट्रोड्यूस की गई हैं। ओवरऑल देखा जाए तो मटेरियल यूआई थीम जो है इस टाइम पे परफेक्ट तरीके से काम कर रही है। आप कोई भी वॉलपेपर इसके अंदर चेंज करते हैं उस तरीके से जो है आपकी जो थीम जो है वो बेस्ड हो जाती है। सपोज कीजिए हम कोई भी इसके अंदर से वॉलपेपर चलाते हैं और उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। सपोज कीजिए हम इस वॉलपेपर को लेते हैं, इसको सेटअप करते हैं होम एंड लॉक स्क्रीन, तो ये देखिए थीम जो है वो कम्प्लीटली चेंज हो गई है। आपके टैब्स वगैरह हैं उसी तरीके से कलर से एडजस्ट हो सकते हैं। अगर आपको लगता है इसमें आपने थोड़े से चेंजेस करने हैं तो आपको नीचे यहाँ पे इस वॉलपेपर बेस कलर सिस्टम भी यहाँ पे देखने को मिलता है। जो भी आपको पसंद है उसको आप सेटअप कर लीजिए, उसके बाद देख पाएंगे आपका जो कलर कॉम्बिनेशन है वो पूरा चेंज हो जाता है और कुछ इस तरीके के कलर लेआउट जो है अब आपको अपने फोन के ऊपर यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। जेस्चर्स काफी स्मूथ हैं और काफी परफेक्ट तरीके से आपको यहाँ पे काम करते हुए मिल जाते हैं। आपको नीचे स्क्रीनशॉट सिलेक्ट यहाँ पे भी कुछ ऑप्शंस प्रोवाइड किए गए हैं जहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सिलेक्ट के ऑप्शन पर जाके आप टेक्स्ट वगैरह को यहाँ से कॉपी कर सकते हैं और लास्ट में आपको यहाँ पे क्लियर ऑल का भी ऑप्शन यहाँ प्रोवाइड किया है जिसके थ्रू जो है आप सभी के सभी रिसेंट टैब्स को यहाँ पे इजिली क्लोज कर पाते हैं। तो ये कुछ चीजें थी जो मैं आपको बताना चाहता था कि एंड्रॉइड 12 के अंदर जो है काफी सारी चीजों को इम्प्लीमेंट किया गया है और एक नए तरीके का लुक जो है अब आपको अपने फोन में यहाँ पे देखने को मिलता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपका जो है एंड्रॉइड 12 में इस टाइम पे सबसे बेस्ट फीचर कौन सा है और आपके पास कौन सा डिवाइस है और आपको कब तक लगता है कि आपके फोन को एंड्रॉइड 12 देखने को मिल सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।